इस अभिनव आयोजन। मैं इस मौके पे हरिओम तिवारी, आप उधर आए एक मिनट, आशु दादा आप राखी तिवारी हैं, आप कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी हैं, आप दोनों पति पत्नी हैं। आपसे तो मेरी भेंट हुई है, अब मुझे समझ में आया कि आप क्यों व्यंग्य चित्र बनाने में उस्ताद नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं, ये क्रिएशन है जिसे आप क्रिएशन हरिओम नहीं व्यंग्यकार की व्यंग चित्रकार क्या होता है, जो समाज के फ्रस्ट्रेशन को अपने चित्रों के माध्यम से, क्रिएशन के माध्यम से सामने रख दे कि समाज की विसंगति का भी पता लग जाए और समाज को बुरा भी ना लगे। तो साहब ये फ्रस्ट्रेशन की नहीं क्रिएशन की श्रेणी में आता है हरिओम भाई। आशुतोष जी मौके पर चौका, ये वो अवसर है जब हरिओम तिवारी जी ने आपके लिए कैरिकेचर तैयार किया है और निश्चित तौर पर ये सुखद अवसर है जब ये हरिओम तिवारी जी द्वारा आशुतोष राणा जी की एक छवि बहुत ही सुंदर आकर्षक मनमोहक असल भाषा में कार्टूनिस्ट का काम किसी भी चरित्र को उसके समतुल्य ले जाने की कोशिश करना होता है। इसी तरह संजय पाठक जी के लिए भी एक कैरिकेचर तैयार किया गया है, आइए इसका भी अवलोकन करें। हरिओम आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अगर कुछ अटल जी की आवाज में कुछ अगर मिमिक्री करता हूँ तो थोड़ा उस मैं आपको कहना चाहूँगा कि अटल जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं ग्वालियर से हूँ बेसिकली, तो अटल जी अगर इस कार्यक्रम में आए होते तो किस तरह से अपना कुछ विचार प्रकट कर। नमस्कार, प्रतिबद्धताओं के चलते मुझे इस कार्यक्रम में आना पड़ा। आशे अनुराग, आशे आशुतोष, सासे संजय और सासे शैफाली, इनके प्यार के चलते मुझे यहाँ आना पड़ा। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती मौजूद है आशुतोष राणा, हम उनका अभिनंदन करते हैं, बंदन करते हैं, चंदन करते हैं, आगे जो भी करना है आप करना। आशुतोष जी गनीमत है कि लतभंगन की बात नहीं करी चंदन तक ही रुक गए। आशुतोष जी की वाणी में सरस्वती का निवास है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, अभिनेता है, इनके ऐसे किरदार हैं दुश्मन में, लोग दुश्मन डर जाता है इनकी आंखों से देख के, लेकिन दोस्त भी डर जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को देश की सेवा भी करना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। ये कार्टूनिस्ट हैं, ध्यान रखें। पत्रकारिता पर भी कुछ बोलना चाहूंगा मैं, देश में बिकने की पद्धति शुरू हो गई है, आईपीएल में खिलाड़ी बिक रहे हैं, कुछ नेता भी बिक रहे हैं, और आजकल तो पत्रकार भी बिक रहे हैं, कुछ कार्टूनिस्ट को कोई खरीद ही नहीं रहा। कार्टूनिस्ट बिकना भी नहीं चाहता, तो ऐसी निराशा के बीच अगर इस तरह के कार्यक्रम होते रहे तो थोड़ी ऊर्जा बनी रहती है, और कोई धनपति मिल जाए तो ऐसे कार्यक्रम 3-4 होना चाहिए साल में, ताकि पत्रकारों में एक उल्लास बना रहे। धन्यवाद। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का
सटीक विश्लेषण। हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।